हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि आप कैसे अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी में। एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं 10 में बेस्ट म्यूचुअल फंड इन स्मॉल कैप 4022। गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे भी कैसे करके अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होती है जो आपको देखना चाहिए। फ्रेंड्स, जो मेरे कलीग या फ्रेंड्स जो पूरी वीडियो नहीं देख पाएंगे, उनको ये पूरी समझ में नहीं आएगा जो मैं बताना चाहता हूँ। तो आपसे बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें एंड पूरी वीडियो को देखें, ठीक है? तो चले चलते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ना स्क्रीन पे ये 3 म्यूचुअल फंड को ओपन कर रखा है। पहला नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड कैनरा रोबोको स्मॉल कैप फंड्स। फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने इनको सेलेक्ट कर रखा है। देखिए, अगर आप सिर्फ ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ में डेफिनेटली क्वांट म्यूचुअल फंड है जो बीट कर रहा है। लेकिन आप देखिए, इस ग्राफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ इस ग्राफ से नोट कर सकते हैं। ये देखिए, इस ग्राफ ने कैसे ये क्वांट म्यूचुअल फंड नीचे रही है, तीनों से इन तीनों में नीचे रही है, ठीक है? फिर ये धीरे धीरे ऊपर गई है एंड धीरे 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 इसने बीट करी है। तो फ्रेंड्स, इस पे बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिसके वजह से कोई म्यूचुअल फंड ऊपर जाती है और कोई भी सारी म्यूचुअल फंड नीचे जाती है। तो आपको वो पैरामीटर एग्जैक्टली समझना है कि ऐसा होता क्यों है। अगर आप वो पैरामीटर समझ जाते हैं या उस पैरामीटर के बेसिस पे आप इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप अच्छे पैसे बना सकते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो चलिए, सिर्फ अभी मैं इन तीनों के बारे में बात करना चाहूंगा। पहले देखिए, क्वांट म्यूचुअल फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड कैनरा रोबोको स्मॉल कैप फंड, इन तीनों की जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 है। क्या इसमें देखिए डिविडेंड इंटीरियम पे आउट है फ्रेंड, ये भी डिविडेंड पे आउट है, ठीक है? तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी चाहिए, क्या वो ग्रोथ टाइप की है, डिविडेंड पे आउट की है। कभी भी फ्रेंड्स, जो डिविडेंड पे आउट की होती है स्कीम्स, वो बेटर नहीं होती है। मैं उसको आगे बताऊंगा, उसके रीजंस, प्लीज़ बने रहिए। ये देखिए, इक्विटी टाइप की है, लास्ट अपडेटेड कब हुई है एंड सो ऑन चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कब ये फंड शुरू हुई थी, इसकी CAGR कितनी की है, 1 साल, 1 ईयर की है इतनी, ठीक है? एंड 2 साल की है इतनी एंड 3 ईयर की है इतनी। तो आप ये देख सकते हैं तीनों में से ये बेस्ट जो परफॉर्म कर रहा है वो क्वांट म्यूचुअल फंड कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये ग्रोथ फंड है। इट मींस आपका जो भी फंड है री इन्वेस्टेड किया जाएगा इसमें, और डिविडेंड इंटीरियम पे आउट में होता है कि उसमें आपको डिविडेंड दे दिया जाता है एंड वह दोबारा आपको पैसे निवेश करने पड़ते हैं। उसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स, आपके जो है जो कुछ एडिशनल चार्जेस हैं वो लगते हैं। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, वो नोट करना चाहिए। सिर्फ आपको रिटर्न नहीं देखना चाहिए कि आपने रिटर्न देखा और इसमें निवेश कर दिया। देखिए, मैं इस आर्टिकल पे भी जा रहा था, तो मैं इस आर्टिकल में जो बताया गया है 10 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन 2022, आप देखेंगे कि इन्होंने बताया हुआ है। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां से आप नॉलेज भरपूर गेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन किसी भी नॉलेज को गेन कीजिए, लेकिन उस पर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग जरूर डालें, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए, इन्होंने बता दिया क्वांट, POI, कैनरा, रोबोको, कोटक एंड डेटलबेस। लेकिन गाइज, आपने ये देखा कि क्वांट इज स्मॉल कैप फंड, कैसी फंड थी, डिविडेंड पे आउट थी। तो क्या आप डिविडेंड पे आउट में निवेश करना चाहते हैं या इक्विटी या ग्रोथ वाले फंड में? पहला आपका निर्णय यही होना चाहिए फ्रेंड्स। कभी भी जो है निवेश करें आप, तो ग्रोथ वाले फंड में करें, ना कि डिविडेंड पे आउट में। एंड इसके आगे मैं जाने से पहले एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, सिर्फ और सिर्फ ओनली एजुकेशनल पर्पज़ है एंड किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है? आप अपनी ड्यू डिलीजेंस कीजिए, क्योंकि आप अगर अपने पैसे को निवेश करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे जो पैरामीटर है उसको देख करके ही निवेश करना चाहिए। तो देखिए, अगर सिर्फ मैं मेरे को अगर पता नहीं हो कि मुझे किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मैं इस ब्लॉग पे आया, इस ब्लॉग पे मैंने देखा कि इसमें तो सबसे नंबर वन पे है क्वांट स्मॉल कैप फंड, BOI सेकंड नंबर पे। अब नीचे देखिए, आप क्या देखेंगे, देखेंगे गाइस कि यहाँ देखिए इसकी वाओ, CAGR रिटर्न 39.76 है, देन इसकी 32.88 है। आपने कुछ और चीज तो चेक किया ही नहीं, क्या ये डिविडेंड पे आउट है
है या क्या है ना। तो ऐसे ही करके निवेश करने का कोई फायदा नहीं होता, अदरवाइज उससे क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आप चलिए आप किसी भी फंड में निवेश करें उसके पहले बारे में एक एक चीज़ों को जाने। ठीक है, तो पहले आप जानिए कि स्मॉल कैप फंड होता क्या है गाइस। तो स्मॉल कैप फंड की देखिए बेस्ट डेफिनेशन है यहाँ पे, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इज एन इक्विटी म्यूचुअल फंड डैट इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 65% इन द स्टॉक ऑफ कंपनी विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 5,000 करोड़। ये वैसी कंपनियों में निवेश करती है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम की है, जिसमें उसमें सिर्फ ये निवेश करेंगी ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है, एंड सेकेंड ये है क्या बताया उन्होंने, द स्टॉक डैट हैज रैंक फ्रॉम 251 एंड बिलो आर कॉल्ड स्मॉल कैप स्टॉक्स। और किनको स्मॉल कैप स्टॉक कहते हैं फ्रेंड्स, तो जो म्यूचुअल फंड्स 251 से नीचे रैंक करते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है, आप डिटेल में एक एक बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखा है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट जरूर कर सकते हैं। मैंने म्यूचुअल फंड की पूरी एक पूरी की पूरी एक ग्रुप बना रखी है, जहाँ से आप प्लेलिस्ट बना रखा है, जहाँ से आप बेटर नॉलेज गेन कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़ मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए इसके फीचर क्या क्या होते हैं आप स्मॉल कैप में निवेश करते हैं। तो देखिए, व्हेन द मार्केट आर वॉलेटाइल, जब मार्केट में उतार चढ़ाव ज़्यादा हो रहा हो, स्मॉल कैप कंपनी टेन टू बिकम वॉलेटाइल, ये ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं। देयर फॉर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आर रिस्की कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इसीलिए ये मिड कैप और स्मॉल कैप लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्की होता है। गाइस आपको एक एक पैरामीटर आप देखेंगे ना, तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, देन सेकंड है द कंपनी दैट दिस फंड इन्वेस्ट इन हैव हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन द फ्यूचर। क्यों ये म्यूचुअल फंड ग्रो करेंगी, क्योंकि ये जो कंपनियां ऐसी सेलेक्ट करती हैं जहां पे हाई ग्रोथ के चांसेस हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं जो अभी बहुत बड़ी नहीं हुई हैं उनमें निवेश करती हैं। तो अगर वो कंपनी ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली ये जो है म्यूचुअल फंड भी ग्रो करेगा, क्योंकि 65% ऑफ जो है इन्वेस्टमेंट है जो इसी में ही है, किसमें है, स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। ठीक है, ड्यूरिंग द बुल मार्केट दे टेंड टू आउट परफॉर्म मिड एंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, वेयर एज अपोजिट इज ट्रू फॉर द बियर मार्केट। देखिए ये चीज़ें ही अगर आपकी पकड़ है ना फ्रेंड्स, तो आप जरूर इसमें निवेश करेंगे लॉन्ग टाइम में या नहीं करेंगे, इन चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है। ये देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जब बुल मार्केट चल रहा होता है, जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो ये म्यूचुअल फंड आपको सबसे अच्छे बनाते हुए पैसे नज़र आएंगे, क्योंकि ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है फ्रेंड्स। ठीक है, और जैसे ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सारे बुल मार्केट चलता है तो सबसे ज़्यादा दौड़ लगाता है, वो दौड़ इसी की होती है। ठीक है, अब आप देखिए इन्होंने बताया कि ये 3 ईयर की कैसे है परफॉर्म करा है, किस किस फंड ने दिखा दिया है। तो गाइज आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने कुछ बातें यहाँ पे बताई थी, बट इसकी चीज़ें अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है। इसके अलावा आपको क्या देखना चाहिए, इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ये देखना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए BOIXI स्मॉल कैप फंड, मैंने इसलिए इसको सेलेक्ट किया है क्योंकि आप देखेंगे कि ये ना सेकेंड नंबर पे था, ऑल्दो ये डिविडेंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में मैंने सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, सॉरी BOIXI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो गाइस यहाँ पे देखिए आप इसके बारे में देखिए, दिस फंड हैज़ 92.55 इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक इक्विटीज ऑफ विच 6.77 इन लार्ज कैप स्टॉक। आप देख सकते हैं कि पहले इस फंड के बारे में पढ़िए, क्योंकि 92.5 किसमें हैं, डोमेस्टिक इक्विटीज में हैं, जिसमें से 6.77 सिर्फ कितने हैं लार्ज कैप स्टॉक में है एंड 3.08 इन मिड कैप। वो मोटा मोटी 10% जो हो गया मिड कैप एंड स्मॉल कैप में मिला करके हो गया, एंड रेस्ट जो है 62.61 क्या है इन स्मॉल कैप फंड है, एंड 0.05 इन्वेस्टमेंट इन डेट ऑफ विच 0.05 इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये तो पहली हो गई कि इनके बारे में आपने पढ़ा किस तरीके से इन्वेस्ट इन्होंने कर रखा है, कहाँ कहाँ पे कर रखा है। ठीक है, ये तो टॉप लाइनिंग बना दिया।
अब इन्वेस्टर्स किन के लिए सुटेबल है, इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट फॉर एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स एंड लुकिंग फॉर वेरी हाई रिटर्न्स। अगर आप 3 से 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहते हो तब आप इस फंड में आएँ। अगर 3 से 4 साल कम से कम आप नहीं दे सकते तो फ्रेंड्स आप इसमें ना बने। और ज़रूरी नहीं है कि 3 से 4 साल में भी आप ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कभी कभी अगर बियर मार्केट लंबा है तो उसमें आपको थोड़ा और टाइम इसमें देना पड़ सकता है। तो आप सभी पैरामीटर को देखें फिर तब जा करके किसी भी म्यूचुअल फंड में बने रहिए, ठीक है। एट द सेम टाइम दीज इन्वेस्टर्स शुड बी रेडी फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ हायर लॉसेस इन दियर इन्वेस्टमेंट। ये क्लियर गाइडेंस है फ्रेंड्स, अगर आप आते हैं निवेश करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे पैसे बनाएं, ये भी हो सकता है कि आप लॉसेस बियर कर सकें और या फिर आपको अच्छे लंबे टाइम पे रहना पड़े म्यूचुअल फंड के साथ अगर आप अच्छे रिटर्न चाहते हैं तो। एंड फ्रेंड्स हिस्टोरिकली ये देखा गया है अगर आप लंबे टाइम पे किसी भी म्यूचुअल फंड टाइप से रहते हैं तो वो उन्होंने हमेशा अच्छा परफॉर्म करके दिया है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कंट्री ग्रो होगी तो फ्रेंड्स आपकी जो है स्टॉक्स हो गई म्यूचुअल फंड्स होंगी जरूर ही ग्रो करेंगी अगर आपने अच्छे म्यूचुअल फंड या अच्छे स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है तो, ठीक है। तो सिलेक्शन की कैटेगरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरिया है, इससे बहुत सारी चीज़ें फर्क पड़ती हैं। अब मैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देखिए, इसकी रिस्क रेशियो होती है। रिस्क रेशियो क्या बताती है आपको कि इस बेसिकली फंड ने कैसा निवेश किया हुआ है एंड क्या इसका जो रिस्क रेशियो है वो जस्टिफाई है आपकी इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, अल्फा रेशियो, ये तीनों रेशियो क्या है, ये तीनों रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना ही बढ़िया होता है किसी भी फंड के लिए। एंड ये दोनों जो है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बेटा, ये जितना ही कम हो उतना ही बेटर होता है फंड के लिए। क्योंकि क्या होता है कि ये जब मार्केट कम परफॉर्म कर रही होती है तो आपका फंड जो है कम लेस वॉलेटाइल होता है, ठीक है। इसी तरीके से सेम वे में मैंने एक और फंड सेलेक्ट किया है गाइज आपके लिए एंड उसका नाम है एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। उसका भी आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब मैं इन दोनों में कंपेयर करके बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। इसकी शार्पी रेशियो देखिए गाइज 1.22, 0.29, 1.9, ठीक है। सॉरी, ओहो, ठीक है। देन आप यहाँ पे आ सकते हैं या इसकी देखिए 0.7, 1. शार्पी रेशियो 1.08, 0.28, 12.16, ठीक है। सॉरी फॉर लिटिल बिट इंटरप्शन, ओके। अब देखिए इसकी शार्पी रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा, ये देखिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा आप देखेंगे तो इसकी जो 4 पॉइंट में ये चेक मार्क, आपको खुद ये मनी कंट्रोल बता रहा है कि देखिए इन सब में जो ग्रीन ग्रीन करके ये बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये अच्छे हैं 4 पैरामीटर पे एंड ये फ्रेंड्स 3 पैरामीटर पे बेटर है। ये क्या है, इसकी में परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल रही है लेकिन यहाँ पे वॉलेटिलिटी की आपको ज़्यादा देखनी पड़ेंगी। तो क्या आप ज़्यादा वॉलेटिलिटी के लिए तैयार हैं? तो फ्रेंड्स आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा एंड ज़्यादा वॉलेटिलिटी के लिए तैयार नहीं है तो आपको जो है रिटर्न थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट करके एंड आपको अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे बट थोड़ा सा आपको वॉलेटिलिटी कम रहेगा। तो देखिए जैसे कि मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया, रिस्क रेशियो देखना है, वो पहला नेम देखिए म्यूचुअल फंड का क्या नेम क्या है एंड वहाँ पे आप देखिए कि फंड मैनेजर भी कौन है और कितने लंबे टाइम से हैं। तो ये सारी बातों का आप ध्यान दे करके एक अच्छा सा निवेश अपने लिए अपनी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में डेप्थ एनालिसिस कीजिए गाइस। मैंने अभी आपको और भी चीज़ें बतानी हैं बट ये फिर मेरी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी तो मैं बेसिकली इसमें और क्या बताया जा सकता है गाइस। तो इसमें आप देखिए कि ये जो है किस तरीके की कंपनी में इन्होंने निवेश किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर एक एक कंपनियों की आप हिस्ट्री चेक कीजिए कि कैसी रही है कंपनियाँ, है ना। तो उससे आपको लर्निंग अच्छी मिलेगी और आपको मालूम चलेगा क्या ये फ्यूचर में ये कंपनियाँ परफॉर्म कर सकता है नहीं कर सकता है। तो उसको क्या होगा, आपका जो बेस है इन्वेस्टमेंट का स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। सो फ्रेंड्स आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया हो कि ये आप कैसे अपने लिए अच्छे फंड्स चूज़ कर सकते हैं एंड किसी के बताए हुए निर्देश पे कभी भी ना जाएं जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो उस पर भी ज़रूरत नहीं है आपको जाने के लिए, आप अपने लिए खुद अच्छे फंड सेलेक्ट कर सकते हैं बट डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स मैं क्रिटिक्स किसी भी साइड का या कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मैक्सिमम हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।